हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर टू यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर. लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन कर लें और उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं. आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं. तब तक क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बार बता दो कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है. ओके, अगर ऑडियो सबको क्लियर है और वीडियो भी सबको क्लियर है तो हम जो क्लास है वो शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो, ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ये हमारा पिलर फॉर्म का यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टाग्राम चैनल है. तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो इन चैनल से जुड़ जाओ क्योंकि आपको सारी लाइव अपडेट यहीं पर दी जाती है. और ये फिलर फॉर्म है, जो भी फिलर फॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है उसके लिए जो प्राइस है वो है मात्र 2500, यानी कि 2500 रुपये. और इस पर भी आप मेरे जो कूपन कोड है अगर वो यूज करेंगे किरण 10, किरण 10 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. गुड इवनिंग यशवंत. और ये देखो यूट्यूब का टाइम है, जब भी आपकी यूट्यूब पर क्लास रहेगी वो आपकी 8 बजे ही रहेगी और ऐप पर भी आपकी जो क्लास है वो 8 बजे ही होती है. आप सबको पता है मैं पहले जो है आपको नोटिस बोर्ड पे नोटिस भी डाल देती हूँ आपके लिए कि जो आपकी क्लास है वो 8 बजे होती है या मैं 8 बजे लाइव आने वाली हूँ. तो सब क्लास को बेटे सब अपना जो नोटिफिकेशन है वो ऑन करके रखा करो और ये मेरा जो कूपन कोड है किरण 10 ये है, इसको यूज करो ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले. अब फैमिली में भी अगर किसी ने लेना है, नेट की कोई तैयारी कर रहा है तो उसको सजेस्ट करो कि वो कूपन कोड जरूर यूज करे क्योंकि इससे आपको ही फायदा, आपको डिस्काउंट मिलेगा. गुड इवनिंग लक्ष्मी. और ये फिलर फॉर्म ऐप है, इस पे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोचिंग अवेलेबल है. आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपको PYQ दिए जाते हैं और आपको मॉक टेस्ट दिए जाते हैं. बेटे संडे को तो क्लास नहीं हुई थी लक्ष्मी, लेकिन सैटरडे को क्लास हुई थी हमारी. नेचुरल वेजिटेशन पे क्लास रही है, हुई थी 8 बजे क्लास होती है. शेड्यूल देख लिया करो, आपको शेड्यूल जो क्लास का वो दिख जाता होगा कि आपकी क्लास 8 बजे होने वाली है. और अगर किसी वजह से क्लास नहीं हो पाती है ना तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस आ जाता है कि क्लास नहीं होगी आज, कैंसिल कर देती हूँ मैं, मैसेज सेंड कर देती हूँ. या फिर आपका जो जो चैट का ऑप्शन है उस चैट ऑप्शन में 2 ग्रुप है, एक तो आपका है जीतू सर के साथ जितेंद्र गोस्वामी और दूसरा है ज्योग्राफी ग्रुप. ज्योग्राफी ग्रुप में भी मैं मैसेज कर देती हूँ कि आज क्लास नहीं होगी, रिशेड्यूल हो गई है, ज्वाइन नहीं हो पा रही थी. कोई बात नहीं, कभी कभी मैंने आपको जैसे बताया ना वो ना टेक्निकल इश्यू आ जाता है कि ज्वाइन नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं. आपके लिए जो आपकी क्लास है ना वो रिकॉर्डेड क्लास डल गई होंगी, वहां से देख लो. नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक हो गया है और वो नहीं समझ में है ना, उसमें कोई डाउट हो, आप नहीं समझ पाए हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी. दोबारा से आपका एक जो क्लास है ना वो मैं एक दिन आपका 15 मिनट के लिए हम क्या रख लेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे कि आपको अब तक जितने भी टॉपिक हुए उनमें जो भी डाउट है वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है. ये देखो ये हमारा रोड मैप है, ये हमें अपना ऐसे सिलेबस कवर करना है और इसमें हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वो कर रहे हैं. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में से भी देखो हमारा सोयल टॉपिक का हो चुका है, वेजिटेशन भी हो चुका है, ठीक है. आज हम जो करेंगे वो करेंगे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया कैसे बना, इंडिया की ये जो शेप है, इंडिया में आपका कौन सा रॉक सिस्टम है, आर्कियन रॉक सिस्टम कहाँ पे है, धारवाड़
रॉक सिस्टम कहाँ पे है, आर्कियन रॉक सिस्टम कहाँ पे है, या जो इंडिया इंडिया का कौन सा पार्ट कैसे बना है, लावा के जमने की वजह से कौन सा पार्ट बना है, एल्यूवियल सोयल से कौन सा पार्ट बना हुआ है, ये सब हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। देखो क्या है ना कि ये आपके जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के टॉपिक थोड़े से बड़े हैं, इसलिए आपको जो है एक टॉपिक को क्लियर करने में 2 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। और आपका नेचुरल वेजिटेशन वाला जो पीडीएफ है वो मैं आज अपलोड कर दूंगी, तो आप सब उसको देख लेंगे। अब देखो ये है आपका जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी के इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इंडिया का जो संरचना है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब ये अरेंजमेंट जो है ये कैसे बना है, क्या पास्ट रहा है इंडिया का, वो हम पढ़ेंगे। द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, किसी भी कंट्री का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हमें क्या करता है, बहुत सारी चीजों को समझने में हेल्प करता है कि वहां पे रोक कैसी है। अगर हमें रोक का पता लग गया तो वहां पे जो ढाल है, स्लोप कैसा है, स्टीप स्लोप है, जेंटल स्लोप है, कैसा स्लोप है, ये पता लग जाएगा। और जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पता चल जाता है, कौन से मिनरल अवेलेबल होंगे ये पता चल जाता है, कौन से मिनरल कहाँ पे अवेलेबल होंगे ये पता चल जाता है। जियोलॉजिकली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो किसका पार्ट है, आपका गोंडवाना। क्या आप सबको पता है कि इंडिया गोंडवाना का पार्ट कैसे है, क्या आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्लियर है। देखो अभी तक हमने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ना वो नहीं किए, क्योंकि वो जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। इसके तुरंत बाद जो आपका इंडिया है ना, इंडिया का खत्म होने के तुरंत बाद हम शुरू करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में टोटल ही पूरी बुक आज तक जितनी जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें पूरे ही 24 टॉपिक है, इसके अलावा नेट में बाहर क्वेश्चन ही नहीं आते। जितना मैं आपको करवा रही हूँ अगर आप उतना कर लेते हैं डेडिकेशन के साथ और पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं तो आपका जेआरएफ आपके हाथ में बेटे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डेडिकेशन के साथ और समझ के साथ करें और आपका पेपर क्लियर ना हो, ठीक है। तो मुझे एक बार बता दो कि क्या सबको गोंडवाना, ये यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है इसका मीनिंग सबको क्लियर है, नहीं तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि गोंडवाना क्या है। ठीक है बता देती हूँ। देखो आज आपका ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे आपको क्या दिख रहा है आज, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है। 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि आपका कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ को बोला जाता है आपका मकर रेखा, ठीक है। अब देखो आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका ये अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ऐसे है। लेकिन पहले क्या था, 2000 यानी के 4.6 बिलियन ईयर, देखोगे ना आपकी अर्थ की आयु है 4.6 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, इतने साल से हमारी अर्थ है। तो उस पे पहले क्या था, ये जितना भी आपका लैंड पार्ट है ना ये पहले क्या था, सब एक था, ऐसे ही इकट्ठा था, ठीक है। ये पूरा ये जो आज आपको ये ऐसे अलग अलग शो हो रहे ना, ये क्या थे, सब एक साथ थे। तो ये जो बीच में लैंड वाला पार्ट है इसको नाम दिया गया था आपका पेंजिया, और इसके चारों तरफ क्या था, पानी का पार्ट था, इसको बोला गया था आपका पेंथालासा। अब जब आपका कार्बनीफेरस पीरियड आया ना, कार्बनीफेरस पीरियड जिसमें आपका कोयला बना है, उसमें क्या हुआ, पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका जो नॉर्थ का पार्ट कहलाया उसको बोला गया, नॉर्थ वाले पार्ट को बोला गया लोरेशिया, और इसको अंगारा लैंड भी बोला जाता है,
और जो इसका साउदर्न पार्ट था इसको बोला जाता है आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये जो नॉर्दर्न पार्ट था ना इस पेंजिया का, ये बीच में से ब्रेक हो गया यहाँ से। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ये सदर्न पार्ट। अब जो सदर्न पार्ट है इससे आपका बना है इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री सारी बनी है इससे। और आपका ये जो अंगारा लैंड है इससे बना है आपका नॉर्थ अमेरिका और आपका यूरोप और नॉर्दर्न एशिया। आया बात समझ में? अब गोंडवाना वर्ड कहाँ से आया है और कैसे गोंडवाना को रीजन हुआ है, ये आपका इस तरीके से जो गोंडवाना है ना ये बना हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं, ये आप अभी और अच्छे से पढ़ोगे, ये आपका थ्योरी है जियोमोर्फोलॉजी में, वैगनर की थ्योरी है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जो इंडिया है ना, अब आपको पता लग गया इंडिया जो है वो गोंडवाना का पार्ट कैसे है। समझ में आया सबको कि इंडिया गोंडवाना का पार्ट कैसे हुआ, क्योंकि गोंडवाना से ही इंडिया बना हुआ, इसलिए इंडिया गोंडवाना का पार्ट है। गोंडवाना सदर्न कॉन्टिनेंट का, सदर्न कॉन्टिनेंट है ये भी बता दिया आपको। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की अगर हम हिस्ट्री देखें जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो वो क्या है, बहुत यूनिक है। लाइक द वर्ल्ड इन डिफरेंट एरा फोल्डेड माउंटेन हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन फोर स्टेजेस। ये कहते हैं कि इंडिया में जो फोल्डेड माउंटेन है, क्या फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड वर्ड सबको क्लियर है, फोल्डेड का मतलब है वलित पर्वत, हिंदी में जिनको बोला जाता है वलित। फोल्डेड माउंटेन्स कैसे बनते हैं बेटे, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो भारी प्लेट नीचे धस जाती है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो सेडिमेंट है ना उसमें क्या पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं, और इसी की वजह से आपके क्या बनते हैं, ये माउंटेन्स बनते हैं, और इसको क्या बोला जाता है आपका फोल्डेड माउंटेन। आज जो हिमालय है ना, एक होता फोल्डेड माउंटेन, एक होता है न्यू फोल्डेड माउंटेन। न्यू फोल्डेड माउंटेन कौन सा है, जिसमें अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है बनने का, तो आपका हिमालय जो है वो न्यू फोल्डेड माउंटेन है, क्योंकि अभी भी वो बन रहा है। आप देखोगे ना हिमालय की 8848 इतनी ऊंचाई थी, अब सर्वे से पता चला कि 4.6 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की वो बढ़ गई है। ठीक है, तो हिमालय जो है आपका न्यू फोल्डेड माउंटेन है। वही आपका राजस्थान जो है, ये आपका इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली। अरावली में कैसे आपके पर्वत मिलते हैं, अरावली जो ये पर्वत है ये पहले कभी किसका पार्ट था आपका, ये आपका पहले फोल्डेड माउंटेन था, लेकिन अभी ये फोल्डेड माउंटेन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें सारी जो प्रक्रिया है वो बंद हो गई है और अब ये रेजिड्यूअल माउंटेन में चेंज हो गया है। ठीक है, अब ये रेजिड्यूअल माउंटेन में चेंज हो गया, अब ये फोल्डेड माउंटेन में नहीं है, सारे प्रोसेस वहां पर क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। अब ये देखो यहाँ पर हिंदी में भी है कि भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास, किसी भी देश की अगर भूवैज्ञानिक संरचना जो है हमें कई चीजों को समझने में मदद करती है। ये मैंने आपको बता दिया कि वहां की सोयल कैसी होगी, ये वहां की जियोलॉजी पर डिपेंड करती है कि वहां पे वहां की बनावट कैसी है। ठीक है, वहां पर जो इतिहास में या उन इंडिया की जो हिस्ट्री वो कैसी रही है, वहां पे कैसे फोर्सेस थे, इन सब बात पे डिपेंड करता है। अब जियोलॉजिकली देखें तो इंडिया को तीन रीजन में डिवाइड करा गया, द पेनिनसुलर रीजन। अब पेनिनसुलर रीजन कौन सा है, देखो ये इंडिया है, ये पूरा जो पार्ट है ना ये वाला, इसको बोला जाता है आपका पेनिनसुलर रीजन। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन यानी के पेनिनसुला से एक्स्ट्रा ऊपर, तो ये आपका पेनिनसुला है, इससे ऊपर वाला ये जो सारा पार्ट आता है ना जिसमें आपका हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये आता है आपका एक्स्ट्रा पेनिनसुलर में। और इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो आपका इस पेनिनसुलर और इस एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, इन दोनों के बीच में, एक मिनट आगे इमेज देखती हूँ उसमें बताती हूँ। देखो ये आपका जो यहां से लेके यहां तक है ये,
ये आपका क्या है सारा, आपका पेनिनसुलर, ठीक है। और ये ऊपर वाला ये क्या है, ये वाला आपको जो दिख रहा है, ये है, ये एरिया आता है आपका एक्स्ट्रा पेनिनसुलर। अब इसके और इसके बीच में ये जो रीजन है ना, ये जो आपको खाली दिख रहा है, ये है आपका कौन सा, ये आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन। इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र की नदियां बहती है, और ये प्लेन इन्होंने बना रखा है, एल्यूवियल प्लेन है ये, ठीक है। आगे समझ में, पेनिनसुलर रीजन में आपका मेघालय प्लेटू से लेके कच्छ काठियावाड़ रीजन तक है। ऐसे एक्स्ट्रा पेनिनसुलर में आपका हिमालयन और अंडमान निकोबार आइलैंड भी है, और इंडो गैंगेटिक में आपका एक पेनिनसुलर और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर के बीच में, ठीक है, के बीच का है। उसके बाद है आपका, देखो जो पेनिनसुला है ना, वो पेनिनसुला है जो आपका पेनिनसुला, देखो बेटे याद रखना, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था पेनिनसुला क्या होता है। ये जो शेप होती है किसकी होती है, पेनिनसुला। प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये देखो इधर से बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, और इधर आपका इंडियन ओशियन है, और ये जो आपका तीखा भाग निकला हुआ है इसको बोला जाता है पेनिनसुला। और जो आपका पेनिनसुला है इंडिया में, ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड पार्ट में से एक है, ठीक है। और यहाँ की जो टोपोग्राफी है, ठीक है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो कैसी है आपकी, ओल्ड टोपोग्राफी है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर की बात करें तो यहाँ पे यूथफुल, यहाँ पे ओल्ड टोपोग्राफी यानी कि सबसे पुरानी स्थलाकृतियां हैं। और जो आपका हिमालय रीजन है, यहाँ पे सबसे न्यू जो आपकी लैंडस्केप बन रहे हैं वो यहाँ पे बन रहे हुए हैं। और जो आपका एल्यूवियम फील्ड है, यानी एल्यूवियम मतलब आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, याद रखना हमेशा, जो आपका एल्यूवियल प्लेन है या एल्यूवियल सोइल है, वो मैंने आपको पढ़ा भी दी है, एल्यूवियल सोइल आपकी रिवर के थ्रू बनाई जाती है। रिवर अपने साथ इस मिट्टी को लेकर आती है और प्लेन एरिया में इसको बिछा देती है, ठीक है। वहां पे आपका फीचरलेस फ्लैट एरिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है ना, वो अभी जलमग्न नहीं हुआ, यानी कि पानी के नीचे नहीं डूबा हुआ है, ठीक है। सिंस द कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन पीरियड एंड इज नॉट मच अफेक्टेड बाय, और ना यहाँ पे ज्यादा टेक्टोनिक फोर्सेस है। टेक्टोनिक फोर्सेस यानी कि आपकी जो अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसी एक्टिविटी नहीं है। अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसी एक्टिविटी किस वजह से आती है, आपके प्लेट टेक्टोनिक से, जब दो प्लेट में मूवमेंट होती है, या तो दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं या दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, इन दोनों की वजह से होता है, ठीक है। और देखो अब क्या हुआ है ना, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया है, ठीक है। मेरी बात सुनो, आपका जो ये आपका एक एरिया था टेथिसी, टेथिसी क्या है, जो पहले ये सारे आपके अर्थ पे, आज कितने भी कॉन्टिनेंट है, ये सारे पहले इकट्ठे थे, ठीक है। ऐसे एक पार्ट नॉर्थ में हो गया, एक पार्ट साउथ में, नॉर्थ में अंगारा लैंड, साउथ में गोंडवाना लैंड, इसके बीच में ये जो पानी वाला भाग वो है, ये क्या है आपका टेथिस सी है, ठीक है। अब ये देख लो, अब सबसे पहले ये देखो, ये इंडिया का फिजियोलॉजी है, ठीक है। ये देखो, ये आपका इंडिया का फिजिकल मैप दिखा रखा है, ये आपका सारा, क्या आपको समझा देती हूँ, ये सारा आपका पेनिनसुला रीजन है, प्लेटू रीजन है, यहाँ पे आपके पठार मिलते हैं, ठीक है। ये आपका हिमालयन रीजन है, ये सारा आपका प्लेन रीजन है, ये आपका डेजर्ट है,
ये आपके यहाँ पे देखो, ये आपके आइलैंड है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार है। अब इनको देखते हैं, देखो स्टडी को इजी बनाने के लिए जो इंडियन रोक है, इंडियन रोक की क्रोनोलॉजी, क्रोनो का मतलब होता है, याद रखना, क्रोनो किसको संबोधित करता है, टाइम को। क्रोनोलॉजी का मतलब है टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग इंडिया में जो रॉक्स बनने की सीरीज है वो ये है। और आप ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिख लो, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको ये इधर उधर करके ऊपर नीचे करके दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इंडिया की जियोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजी में सेट कीजिए, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग इनको सेट कीजिए। तो सबसे पहले बने थे आपके आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, फिर उसके बाद बने हैं आपके धारवाड़ और प्रोटेरोजोइक रॉक्स, कुड़प्पा और पुराना ग्रुप, फोर्थ है विंध्यान सिस्टम, फिफ्थ है गोंडवाना सिस्टम, सिक्स्थ है डेकेन ट्रैप और क्रिटेशियस, सेवेंथ है आपका टर्शरी सिस्टम और सेनाजोइक एरा, और एट है आपका क्वार्टनरी पीरियड और प्लेस्टोसीन एरा। देखो मेरी एक बात सुनो, ये जो नेम है ना, ये नेम देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये आर्कियन क्या है, प्री कैम्ब्रियन क्या है या धारवाड़ क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप क्या पढ़ेंगे, अभी आप जियोमॉर्फोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है ना, उसमें आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है कि आज आपकी जो ये अर्थ है, अर्थ पे जितनी भी चीजें आप ये देख रहे हो ना, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अर्थ पे हर एक चीज डेवलप हुई है और उसके डेवलप होने की वो जो सीरीज है ना, वो आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बेटे पढ़ने वाले हो, ठीक है। अगर जियोलॉजिकली अगर भूगर्भिक दृष्टि से देखें तो भारत विभिन्न विशेषताओं वाली चट्टानों के एक विशाल समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि ये कहते हैं कि इंडिया है ना, जो इंडिया में सिर्फ एक तरीके की चट्टान नहीं पाई जाती। अगर हमने इंडिया की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ा, इंडिया को देखा, तो पाया कि इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके की चट्टानें देखने को पाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन से लेके रीसेंट टाइम तक की जो रॉक्स हैं वो देखने को मिलती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है PYQ, सर टी होलैंड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो आपके टी होलैंड थे, इन्होंने इंडिया को चार रॉक सिस्टम में, फोर मेजर रॉक डिवीजन में इंडिया को डिवाइड किया है। याद रखना, किसने डिवाइड किया इंडिया को, सर टी होलैंड ने। और ये कौन कौन से हैं फोर आपके, द आर्कियन रॉक सिस्टम, द पुराना रॉक सिस्टम, द द्रविडियन रॉक सिस्टम, द आर्यन रॉक सिस्टम। नेम लर्न कर लो, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर टी होलैंड ने कौन से चार ग्रुप में इंडिया को डिवाइड किया। सबसे पहला है आर्कियन, आर्कियन के बाद पुराना, पुराना के बाद आपका द्रविडियन, द्रविडियन के बाद आपका आर्यन। आर्कियन, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है, तो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है आपका आर्कियन रॉक सिस्टम, ठीक है। तो आर्कियन रॉक सिस्टम, फिर है आपका पुराना रॉक सिस्टम, धारवाड़ियन रॉक सिस्टम, और अब आपका उसके बाद सबसे लास्ट है आपका द आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आया हो? बताओ बेटे, यहां तक सबको क्लियर है? कोई वर्ड क्लियर नहीं हुआ हो तो अभी भी बता दो।
थैंक यू बेटे लक्ष्मी, आपको नोट्स मैं दिखा देती हूँ कैसे डाउनलोड करने। एक बार देखो स्क्रीन पर है ना, मैं आपको पहले नोट्स दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ पे डाउनलोड, कहाँ से डाउनलोड करने हैं। और आपको समझ आता है ना, यही बहुत अच्छी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कहीं पर भी आप कोचिंग वगैरह कुछ भी लेते हो ना, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो पैसे तो हर जगह आपके जाते हैं, हर जगह हमें पैसे देने पड़ते हैं, चाहे हम स्कूल में जाएं चाहे ऑफलाइन कोचिंग ले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है समझ में आना, कंसेप्ट क्लियर हो जाना। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो फिर जो हमारा पेपर है ना, वो कंसेप्ट बेस्ड होता है ना। जैसे ये यूनिट क्लियर खत्म हो जाएगी ना, मैं आपकी जो एक क्लास है ना, वो PYQ पे ही लेके आऊंगी पूरी ज्योग्राफी के, ठीक है। उसमें कम से कम मैं 50, जितने भी आपके आज तक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आए ना, मैक्सिमम अभी 2-3 सालों में वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपने ऐप खोली, आपका जो भी आप मान लो, मोस्टली आप लोगों ने कौन सा बैच ले रखा है, 6 मंथ वाले में हो आप सभी या जोन से में भी हो, वो मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी नोट्स आपके बैच में आपको कैसे मिलेंगे। और जो सिलेबस है ना ज्योग्राफी का, वो मेरी जो भी क्लास होगी ना, उसके स्टार्टिंग में आपको उस सब्जेक्ट का, जैसे अब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का आपका, आपको सारा सिलेबस बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस जो ना, मेरी PDF में बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेगा, हर PDF में मिलेगा। चलो 6 मंथ वाला ये ओपन किया आपने, ओपन कर लिया तो यहाँ पे आपके बेटे कंटेंट आएगा, ठीक है। कंटेंट में जाओ, कंटेंट में जाओगे नीचे चलना, ये देखो आपका, अगर आपने पेपर 1 ले रखा है तो यहाँ पे आपको पेपर 1 का सारा जो है नोट्स मिल जाएंगे। अब आपका पेपर 2 है ना, तो पेपर 2 में आप कंटेंट में जाओगे, ठीक है। कंटेंट में देखो, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोट्स का, ये इस नोट्स पे क्लिक किया, ये देखो अभी यूनिट 1 है, यूनिट 1 का जो एक टॉपिक है सोयल ऑफ इंडिया, इसको ऐसे क्लिक करो, ये आपका जो है ना सारा ओपन हो जाएगा, देखो हो गया ना ओपन, ये देखो ये आपका टॉपिक 1 है, ये देखो ये रहा, और सिलेबस भी है इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, हमने मैंने जो सिलेबस करवाया है, ये सारा सिलेबस लिख रखा है कि हमारे कितने टॉपिक है, वो सारे हम यहाँ पे करेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे क्लाइमेट वाला टॉपिक है, क्लाइमेट वाला टॉपिक हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको क्लाइमेटोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। तो ये 5th जो टॉपिक है ना, ये हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेटे थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए आपको क्लाइमेटोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो हम 5th टॉपिक नहीं करेंगे। और बाकी जितना भी है वो टोटल हमारे 14 टॉपिक, और 14 के 14 टॉपिक से आपके जो है ना क्वेश्चन आते हैं। अब आपको डाउनलोड करना आ गया कि कैसे डाउनलोड करते हैं, ऐसे आपको अपने नोट्स डाउनलोड करने हैं यहां से, हाँ जी ठीक है। अब हम अपनी PPT ओपन कर लेते हैं। अब जो हम रोक सिस्टम पढ़ने वाले हैं ना, वो कौन सा रोक सिस्टम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला रोक सिस्टम जो है वो है हमारा आर्कियन रोक सिस्टम। ये सबसे पहले हमें करना है आर्कियन रोक सिस्टम। क्या पूछ रहे हो यशवंत? दोबारा से लिखो, मुझे समझ नहीं आया बेटे। अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं आर्कियन रोक सिस्टम। देखो जब हम ये आर्कियन रोक सिस्टम पढ़ेंगे ना, आर्कियन का तो मैं बता दूंगी आप, आर्कियन आपका एक रोक का टाइप है, और किसी जगह पे वहां इसका नाम क्या रख दिया, आर्कियन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में आर्कियन रॉक सिस्टम मिलता कहाँ है,
ऐप पीसी में डाउनलोड कर कैसे करें। अच्छा यशवंत, मैं आपको ना लिंक आज मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ना लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है? मैं लिंक सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे फिलर फॉर्म का, फिर आप उस लिंक को कॉपी कर लेना अपने अपने फोन से, कॉपी करके अपने जीमेल से ना, क्या करना, फोन से जीमेल से अपने पीसी में सेंड कर लेना। पीसी में सेंड करने के बाद वो जीमेल पे आ जाएगा वो लिंक, वहां से कॉपी करके, देखो जैसे मैं सिखा देती हूँ आपको, ये क्रोम आपने ओपन किया, ठीक है? आप सब जिन जिनको चाहिए ना मेरे को मैसेज कर देना। देखो क्या है ना, ये जीमेल खोली, जैसे मैंने क्या किया था, अपने फोन से लिंक यहाँ पे शेयर कर लिया था, एक अभी दिखाती हूँ। मेरे को सब जिन जिनको चाहिए ना वो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहां से क्या किया, ये जो लिंक था वो कॉपी कर लिया, कंट्रोल प्लस सी, ये एक और प्लस किया यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा क्या कर लिया, पेस्ट कर दिया और एंटर कर लिया। रुक जाओ एक मिनट रुको। आप जैसे ही टेलीग्राम नेम, बेटे मेरा कुहार किरणी है, आप एक मैं कैसे एक मिनट रुक जाओ। जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये क्या सिखा रही हूँ कि फोन से पहले तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपने क्या करना है, जीमेल आपकी कोई ओपन हो, इसमें पीसी में जीमेल ओपन होगी तो उसके बाद अपने फोन से इस जीमेल पे वो लिंक कॉपी करके यहाँ पे सेंड कर लेना, फिर उसको पेस्ट करोगे ना यहाँ पे, पेस्ट करके यहाँ पे क्या कर देना, सर्च कर देना, उसके बाद आपको सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं आए तो मैं कल फिर दोबारा एक लिंक पेस्ट करके आपको फिलर फॉर्म का ही दिखा दूंगी, ठीक है? नहीं तो 2 मिनट रुको, अभी आपको दिखाई देती हूँ। सबसे पहले आप ये काम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके लिए सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं उनके नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास नोट्स है ही नहीं और आप परेशान हो रहे हो, तो पहले परेशानी खत्म करें और उसके बाद हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी मैं सेंड कर रही हूं और आपको दिखा रही हूं। अब ये देखो, ये आ गया ना, इस पे मैंने देखो अपने पास सेंड कर लिया। अब इसको क्या करो, इसको सारे को कॉपी कर लो, ये ओपन करा, यहाँ पे पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। ये देखो ये डाउनलोड हो गया ऐसे का ऐसे। हाँ जी बिल्कुल लक्ष्मी, छोड़ सकती हो क्लास, आज तो मैं यही डाउनलोड करना सिखा रही हूँ।
कल टॉपिक कंप्लीट होगा, ये देखो। उसके बाद ये जो है ना, आप पढ़ के इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। आ गया समझ में? ऐसे डाउनलोड होता है। और टेलीग्राम ग्रुप मेरा है, एक मिनट, हाँ क्रोम में पेस्ट किया बेटे मैंने, क्रोम में पेस्ट करना उसको। क्रोम का जो आपका एक न्यू जो आपका टैब है ना, वो ओपन कर लेना, फिर आपका डाउनलोड हो जाएगा। और एक बार मैं टेलीग्राम जो चैनल है वो और बता देती हूँ। ये मेरा किरण कुहार से ही है बेटे। ठीक है, किरण कुहार के नेम से ही है मेरा चैनल। अब क्लास ओपन कर लेती हूँ। समझ में आ गया ना आप कैसे डाउनलोड करना है? अब इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब मैं आपको बता रही थी, अब हमारे रोक सिस्टम शुरू हो गए हैं, आर्कियन रोक सिस्टम। आर्कियन रोक सिस्टम के लिए सबसे पहले क्या है, आप क्या याद करोगे उनकी लोकेशन की, वे कहां पर मिलते हैं, ये देखो। आपको ये जो आपको हर जगह दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा पार्ट, ये आपका सारा क्या है, आपका आर्कियन रॉक सिस्टम है। इधर ये भी आपका सारा जो आपको येलो से दिख रहा है, ये आपका सारा क्या है, ये आर्कियन रॉक सिस्टम है आपका। अगर मैं कुल मिला के अगर स्टेट के नेम बताऊं आर्कियन रॉक सिस्टम के, तो आपका राजस्थान, राजस्थान का कौन सा पार्ट है, साउथ राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट गुजरात। अच्छा, अब ये साउथ और ये नॉर्थ ईस्ट कैसे किया मैंने, कि नॉर्थ ईस्ट कैसे पता चला, ये लगा लिया आपने, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो, अगर आप यहां पे ही ये चीज अप्लाई करोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये आपका क्या है, इकलौता, अगर मैं यहां पर ये बताऊं तो आपका ये है आपका गुजरात। गुजरात का ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, तो ये वेस्ट पार्ट है। और गुजरात में कहाँ पे मिलता है, सिर्फ यहाँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मिलता है, तो ये गुजरात के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बीच में है, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये यहाँ पे मिलता है आपका, ये झारखंड में मिलता है, और पूरे उड़ीसा में ये मिलता है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, और ये देखो, ये इधर वाली जो स्टेट है ना, ये तो आपकी पूरी है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, इनमें तो सब में कौन सा रोक, कौन सा सिस्टम है आपका, आर्कियन रोक सिस्टम है, ठीक है? अब देखो, जो आपका आर्कियन है ना, आर्कियन को प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम भी बोलते हैं, और ये आपका 2500 साल पहले बना है, 2500 मिलियन ईयर एगो बना है ये, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी सबसे फर्स्ट लाइन है, और इस पे लिख लेना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और ये आपके यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। जो आपका आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन एरा है, ये ओल्डेस्ट एरा है आपकी अर्थ हिस्ट्री का, यानी कि जो जब आपकी अर्थ बनी थी, अर्थ पर सबसे पहले जो रॉक सिस्टम आया था, जो सबसे पहले आपकी रॉक बनी थी, वो कौन सी बनी थी आपकी, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन रॉक बनी थी, ठीक है? दिस इज द डिविजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और ये हमें कैसे पता चला, ये देखो, जब हमने ये डिविजन किया है पूरे की, कि हमारी अर्थ कैसे बनी हुई है, शुरुआत से लेके पानी कब आया अर्थ पे, माउंटेन कब बने, ये सब डिवाइड किया हुआ है, हिमालय कब बने, ये सब आपको पता चलेगा, घबराना नहीं, ठीक है? अर्थ की एज पूछे कोई आपसे, तो अर्थ की एज कितनी है,
4.6 बिलियन ईयर सेको, और ये क्वेश्चन है ना आपके नेट में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सिंपल, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, लर्न नहीं करते हैं कि ये तो कौन पूछेगा इतना सिंपल डेटा, लेकिन पूछते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, ये कब बने थे, कैम्ब्रियन पीरियड के। अब ये कैम्ब्रियन पीरियड क्या, ये भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपकी अर्थ पे कुछ मैंने बताया ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके अकॉर्डिंग जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ लोगे ना जियोमॉर्फोलॉजी में, तब ये टॉपिक लर्न करना। अभी इसके नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है, और पैलियोजोइक एरा, 86.7% ऑफ द टाइम ऑफ अर्थ हिस्ट्री इज, अगर पूरी अर्थ का देखे जाना, पूरी अर्थ का 100% हिस्ट्री देखे, तो उस 100% हिस्ट्री में से 86.7% जो आपका हिस्ट्री है ना, वो किस से बिलोंग करता है, इससे बिलोंग करता है, प्री कैम्ब्रियन एरा से बिलोंग करता है। इस प्री कैम्ब्रियन एरा में बना हुआ है सब कुछ। आर्कियन टर्मिनोलॉजी, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका आर्कियन शब्द है ये सब किसने सबसे पहले यूज किया, आर्कियन सबसे वर्ड सबसे पहले यूज किया, फर्स्ट यूज इन 1782 बाय जेडी डाना। जेडी डाना ने सबसे पहले इस आर्कियन वर्ड का क्या किया है, यूज किया है। ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी रॉक कौन सी है, आर्कियन रॉक है। ठीक है, द ओरिजन ऑफ द एटमोस्फेयर एंड कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस बेस्ड ऑन विच ओरिजिनेटेड इन दिस एरा। अच्छा, अब ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है, कि जो आज आप ये एटमोस्फेयर देख रहे हो, वायुमंडल देख रहे हो, जो आपकी हवा है, आपकी इतनी लेयर है, आपका कीमोसिंथेसिस, देखो आपका दो तरीके का कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल तरीके से जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको बोला जाता है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है सनलाइट की हेल्प से होता है, वो इस एरा की वजह से ही आज पॉसिबल हो पाया है, ये बोला गया। ये हिंदी में भी है, अगर आपने हिंदी में भी देखना है तो हिंदी में भी यहाँ पे आपके लिए मैंने दिया है कि आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन युग जो है पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना टाइम पीरियड है, सबसे पुरानी विश्व की चट्टाने आर्कियन चट्टानों को ही बोला जाता है। अब एक बात याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आपसे स्टेटमेंट में आएगी, आपको आर्कियन ये लिख दिया जाएगा कि आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में चार स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी गलत है इसके रिगार्डिंग या कौन सी सही है, वो ये जो पॉइंट आपको ए टू जेड याद होंगे ना बेटे, तभी आपको याद होगा कि आर्कियन रॉक सिस्टम में क्या है। देखो, ये फॉसिल फ्री रॉक है, यानी कि इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। फॉसिल क्या होते हैं, जीवाश्म। जीवाश्म कैसे बनते हैं, आपके जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स डेड एनिमल्स उनको बोला जाता है आपके जीवाश्म। जब ये आपके कोई भी आपका प्लांट गल जाता है, सड़ जाता है, या आपका एनिमल मर जाता है, तो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ना वो उसको क्या करते हैं, रॉक में डीके कर देते हैं। लेकिन इसमें आर्कियन रॉक में क्या है, फॉसिल नहीं मिलते, क्योंकि उस टाइम तक आप सबसे पहली बात, जब ये रॉक बनी उस टाइम पे आपका धरती पे ना तो पानी था, ना तब तक आपका कोई भी लिविंग एनिमल नहीं था, ना पानी में और ना लैंड पे, तो यहाँ पे जीवाश्म तो मिलने की बात है ही नहीं, मिल ही नहीं सकते जीवाश्म। क्रिस्टल, एब्यूंडेंस ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब क्या है, दानेदार कैसे, देखो वोल्केनो के इरप्शन की वजह से बने हैं, जब आपका ज्वालामुखी फटेगा, ज्वालामुखी फटने से वो लावा आएगा, लावा जम जाएगा, जब लावा आपका लावा एक तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, एक धीरे धीरे ठंडा होता है, जब बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो उसके कण क्या होते हैं आपके, उसके उनके कण में डिफरेंस आ जाता है, तो ये होते हैं आपके क्रिस्टल। हैवी डेब्रीज मतलब रोड़े पत्थर होते हैं। अब दीज रॉक्स आर नोन एज द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स और फंडामेंटल जेनेसिस, इन रॉक्स को क्या बोला जाता है, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स,
बेस मतलब कि हर रोक का, जितनी भी आज हमारी ये सोयल है उन सब का बेस कौन है आपका? आर्कियन रॉक सिस्टम। और इन ये आर्कियन रॉक सिस्टम नहीं होते तो आपका कोई भी और रॉक सिस्टम नहीं होता, ये बेस है, ये फंडामेंटल यूनिट है, इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इन द जो इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो कि आपके टीसी होलैंड ने दिया है, द प्री कैम्ब्रियन एरा इज नोन एज द पुराणास। इम्पोर्टेंट है जो TS होलैंड ने जो अपना इंडिया का जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया था उसमें प्री कैम्ब्रियन एरा को क्या बोला गया है, उसमें प्री कैम्ब्रियन एरा को पुराणास भी बोला गया है। और अकॉर्डिंग टू दिस जियोलॉजिकल स्केल अरावली, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, मेघालय प्लेटू, मिकीर हिल ऑफ आर्कियन एज, ये सारी जो आज आप इंडिया में देख रहे हो ना, ये सारे किसको बिलोंग करती हैं? ये आर्कियन एज में बनी हुई है। और कौन सा रॉक टाइप मिलता है आपको इसमें? ग्रेनाइट, नीस और गैब्रो, ये आपको रॉक सिस्टम मिलता है। याद रखना अरावली है आपका, धारवाड़ है, कुड़प्पा, विंध्यन, मेघालय प्लेटू, मिकी। क्या आपको ये सब पता है कि अरावली कहाँ है, धारवाड़ कहाँ है? धारवाड़ और कुड़प्पा तो अभी आगे पढ़ोगे, धारवाड़ एज सिस्टम भी है, विंध्यन भी आपका है, अरावली सबको पता है अरावली कहाँ पर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये नहीं पता हो कि अरावली कहाँ पर है? जल्दी से बताओ मुझे, सबको पता है अरावली कहाँ पर है? बेटे पता है क्या होता है, जो हमारा नेट का पेपर है ना वो बहुत ही एक मैं बोल सकती हूँ हार्ड पेपर नहीं है। अगर आपको हर मीनिंग का जो ग्रो हर वर्ड का मीनिंग क्लियर है ना, अगर आपको हर वर्ड का मीनिंग क्लियर है तो आप ज्योग्राफी में नेट टॉप भी कर सकते हो, जेआरएफ में भी आप टॉप कर सकते हो सबसे ज्यादा, ठीक है? बस आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, आपको लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है? ये देखो आपका अरावली, ये देखो ये आपको यहाँ पे, ये अब इंक काम नहीं करेगी यहाँ पे, ये हैंड का जो है लोक पोजीशन देखो, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपका क्या है? अरावली रेंज है। अरावली रेंज आपका राजस्थान में है और इसका कुछ पार्ट नॉर्थ गुजरात से भी लगता है और इसका कुछ ये खत्म हो जाती है आपकी दिल्ली में, और दिल्ली में इनको रायसीना पहाड़िया बोला जाता है, ठीक है? ये आपकी अरावली रेंज है। इधर नीच इधर आपका देखो ये कौन, यहाँ पे मेघालय है, मेघालय में आपका यहाँ पे कौन सी हिल्स है? मिकीर हिल्स है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपकी मिकीर हिल्स है, ये आपकी अरावली रेंजेस है। यहाँ पे आपका क्या है? विंध्यन माउंटेन्स है, वो आगे मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है? अब ये कहते हैं कि जो आपकी आर्कियन रॉक्स है ना वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 2/3 पर फैली हुई है। आर्कियन रॉक्स आर ऑल्सो फाउंड बिलो द माउंटेन ऑफ हिमालयन रेंजेस। जो आपकी आर्कियन चट्टाने हैं वो हिमालय पर्वतमाला के नीचे, आपका जास्कर है, लद्दाख है, कराकोरम है और अरुणाचल के जो आपके हिल्स हैं वहां पर भी मिलती हैं, ठीक है? ये देखो यहाँ पे आपका ये क्या है, ये देखो यहाँ से लेके ये पूरा तो है आपका हिमालय, लेकिन इस हिमालय के सब पार्ट है। सबसे पहले आपका ये देखो एक हिल है एक रेंज है जिसको बोला जाता है कराकोरम, कराकोरम के बाद फिर आपका ये क्या है लद्दाख, लद्दाख के बाद आपकी क्या है ये जास्कर, जास्कर के बाद आपकी क्या है ये पीर पंजाल है, ठीक है? फिर पीर पंजाल के बाद यहाँ पे आपकी ये धौलधार है। आगे समझ में, तो इनमें भी आपका आर्कियन जो रॉक है वो मिलती है।
अब आगे द आर्कियन रॉक्स आर द रिपोजिटरीज ऑफ द मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया। जो आर्कियन रॉक है ना, ये एक तरीके से आपके क्या है, रिपोजिटरी है। मतलब कि यहाँ पे जो मिनरल है ना, मिनरल भर भर के मिलते हैं। सबसे ज्यादा मिनरल्स आपके कौन सी रॉक में मिलते हैं, इन आर्कियन रॉक्स में मिलते हैं। ये भी देख लो किस में रिच है, दिस रॉक आर रिच इन फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस कौन से होते हैं, जिनमें लोहे की मात्रा होती है, लोहे का अंश होता है। नॉन फेरस कौन से होते हैं, जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती। जैसे आपका फेरस में आयरन ओर है, मैग्नीज भी आपका फेरस है। नॉन फेरस में आपका कॉपर है, मीका है, डोलोमाइट, लेड, जिंक, सिल्वर, गोल्ड। और आपका ये यूपीएससी में पूछा गया है कि कौन सा रॉक सिस्टम है जो गोल्ड, ऐसा कौन सा रॉक सिस्टम है इंडिया में जिसमें गोल्ड एब्यूंडेंस में मिलता है। तो वो है आपका आर्कियन रॉक सिस्टम। याद रखना, आर्कियन रॉक सिस्टम में फेरस और नॉन फेरस दोनों मिलता है। फेरस में आपका दो ही है, आयरन और प्लस सेकंड है आपका मैग्नीज। ये दोनों आपके क्या हैं, फेरस के हैं। नॉन फेरस में कौन सा है आपका, नॉन फेरस में देखो आपका कॉपर है, कॉपर के बाद देखे तो आपका मीका है, आपका डोलोमाइट है, डोलोमाइट के बाद आपका फोर्थ लेड है, लेड के बाद आपका जिंक भी है, ठीक है, और एक है आपका सिल्वर और गोल्ड। इसमें भी आपकी जो आर्कियन रॉक्स हैं वो क्या है, बहुत रिच है। सबसे ज्यादा जो आपका सिल्वर गोल्ड है वो कौन सी रॉक सिस्टम में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में आपके। आया समझ में आपको, यहाँ पे ये आर्कियन रॉक सिस्टम है, इनके पॉइंट्स बना लेने। ऐसा नहीं है कि नोट्स में सब कुछ ही लिख दिया, नोट्स में हाईलाइट कर करके लिखना है कि ये चीज मिलती है, हाँ ये इसमें है, इसमें ये चीज मिलेगी। हर एक लाइन भी नहीं लिखनी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये हमने ये पढ़ लिया फर्स्ट वाला आर्कियन, यहाँ पे ये आपका पूरा ईस्ट, साउथ ईस्टर्न इंडिया में क्या मिलता है, आर्कियन, जिसको पुराना सिस्टम भी बोला जाता है। अब आपका है धारवाड़। धारवाड़ सिर्फ कहाँ पे मिलता है, आपका कर्नाटक में। कर्नाटक कर ये मोस्टली आपका जो धारवाड़ सिस्टम है ना, ये कर्नाटक में मिलता है। थोड़ा बहुत आपका ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ये केरला की बाउंड्री पे हो सकता है। बाकी मैक्सिमम आपका जो ये धारवाड़ सिस्टम आपका रोक है, ये कहाँ पे मिलते हैं, यानी कि धारवाड़ सिस्टम जो एज है वो कहाँ पे मिलती है बेटे आपकी, कर्नाटक में। कर्नाटक में आपका एक एरिया धारवाड़, उसी के नेम पे इसका नेम क्या बना है, आप पड़ा है आपका धारवाड़ पड़ा है। अब है आपका धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम को प्रोटोरोजोइक फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका प्रोटोरोजोइक एरा है ना, उसमें ये धारवाड़ सिस्टम बना है। दिस जियोलॉजिकल टाइम एक्सटेंड फ्रॉम 2500 मिलियन से 1800 मिलियन तक ये बना है। दीज आर द फर्स्ट मेटामोरफोज्ड सेडिमेंटरी रॉक सिस्टम नोन एज द धारवाड़ सिस्टम। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। मेटामॉर्फ क्या होता है, अच्छा इसके लिए आपको क्या क्लियर होना चाहिए, रॉक क्लियर होनी चाहिए। रॉक आपकी तीन तरीके की होती है, अर्थ पर तीन ही तरीके की रॉक है। आपका इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक के बाद आपकी सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक के बाद आपका मेटामॉर्फोज्ड रॉक, ठीक है, यानी कि रूपांतरित। ये आपका शैलदार या परतदार चट्टाने, और इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टाने, ठीक है। और ये जो धारवाड़ सिस्टम है ये कैसी है, जो आपकी सेडिमेंटरी सोयल है ना, सेडिमेंटरी सोयल नहीं, सेडिमेंटरी जो रॉक है उस पे टेम्परेचर और प्रेशर लग गया, जिसकी वजह से ये मेटामोरफोज हो गई। मेटामोरफोज यानी कि इनका जो रूप है वो चेंज हो गया।
सबसे पहले होती है आपकी इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कौन सी होती है? जो आपके लावा होता है ना, ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी, ये देखो ये आपका ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फटा, फट के बाहर ये लावा बाहर आ गया, तो ये लावा क्या है, यहाँ पे स्प्रेड होके सॉलिड हो जाता है, और ये आपकी कौन सी रॉक बन गई? आपकी बन गई इग्नियस रॉक। फिर आपका दूसरा आता है सेडिमेंटरी रॉक। अब देखो बहुत सालों बाद क्या हुआ, ये रॉक ऐसे यहाँ पे बन गई, अब यहाँ से आपकी क्या है, ये नदी बहने लगी, ये नदी क्या है अपने साथ इस इग्नियस रॉक का थोड़ा बहुत इरोजन करेगी और इसको अपने साथ ले जाएगी और ले जाके यहाँ पे कहीं पे डिपॉजिट कर देगी। ये कौन सी बन गई आपकी? सेडिमेंटरी रॉक्स। अब है आपका थर्ड, मेटामॉर्फोज रॉक्स। मेटामॉर्फोज रॉक्स कब बनती है? जब आपका ये आपका इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक पर दो चीजें काम कर देती है, टेम्परेचर प्रेशर। इस पे और ज्यादा टेम्परेचर लग जाता है, यानी कि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लो पहले वहां पे -40 था, लेकिन अब वहां पे हो गया है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वजह से इन इग्नियस रॉक की जो चेंज शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये रॉक क्या हो जाएगी, मेटामॉर्फोज, यानी कि ये रूपांतरित हो जाएगी। ऐसे ही आपका जो सेडिमेंटरी रॉक पे भी अगर टेम्परेचर और प्रेशर काम करता है तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी मेटामॉर्फोज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये आपकी सबसे पहली मेटामॉर्फोज सेडिमेंटरी रॉक सिस्टम है। अब उसके बाद है, एज दे वर स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये सबसे पहले जो कर्नाटक है, कर्नाटक के धारवाड़ सिस्टम में पढ़ी गई थी, इसलिए इनका जो नेम है वो भी क्या रख दिया है, धारवाड़ सिस्टम ही रख दिया है। दे आर कंपोज्ड लार्जली ऑफ इग्नियस डेब्रिज। इसमें जो आपकी अग्नि चट्टान है ना, उनके पत्थर वत्थर मिलते हैं, रोड़ी बिजरी शिष्ट मिलते हैं, नीसिस मिलते हैं। धारवार रॉक अकर इन स्कैटर्ड पैचेस। स्कैटर्ड पैचेस मतलब ये टुकड़ों में मिलती हैं धारवार रॉक। जैसे आपने यहाँ पे देखा था ना, ये इकट्ठी थी, लेकिन ये आपका जो धारवार रॉक है ना, ये कैसे मिलेगी आपकी, पैचेस में बिखरी हुई, देखो, लेकिन ये बिखरी हुई नहीं है, ये इकट्ठी है आपका आर्कियन धारवार, जबकि क्या है आपका, पैचेस में है। ठीक है, अब ये आपके धारवार जो है, देखो धारवाड़ एंड बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेल्लारी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। ये जो आपका धारवाड़ है, धारवाड़ कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो नीलगिरी है और मदुरई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, यहाँ तक फैली हुई है। सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वहां पे भी मिलती है, मेघालय प्लेट्यू, मिकी हिल वहां पे भी मिलती है, ये अरावली अभी अभी आपको दिखाया था वहां पे भी मिलती है। अभी जो धारवाड़ रॉक है ये किस में रिच है? रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, डोलोमाइट, इन सब में ये भी क्या है आपकी, रिच है। ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स और जो बिल्डिंग मटेरियल के काम आने वाला जरा सारा सामान है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब आपका जो है ना क्या हो गया है, आज आर्कियन सिस्टम हो गया है, धारवाड़ हो गया है, कल हम है ना दो टॉपिक करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के, आपके दो टॉपिक कर देंगे, कल हम दो टॉपिक करने वाले हैं। ये तो हमारा जो रॉक सिस्टम है ये तो कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और है जो कल कंप्लीट करेंगे, कल हम वाटर रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स बहुत छोटा टॉपिक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें वाटर रिसोर्स पढ़ना है, परियोजनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं ये डेटा आपको पहले ही देना चाह रही हूँ ताकि आप जो सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं वो याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में उनका स्टेट पूछ लिया जाता है, या एग्जाम में उन कौन सी रिवर पर है वो परियोजना, ये पूछ लिया जाता है। अगर किसी और भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो हमारी जो क्लास है ना वो अब कल होगी, कल सेम टाइम पे आपकी क्लास रहेगी 8 से 9 बजे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। और रही बात आपका सिलेबस की, तो सिलेबस की टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से और आपका एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव जो सिलेबस है ना बेटे वो कवर करा जाएगा यहाँ पर। ये जो सब जितनी भी आपको रेंजेस नहीं पता है ना,
इंडियन ज्योग्राफी में अभी आपका एक टॉपिक आने वाला है फिजियोग्राफिक डिवीजन, उसमें सब लोकेशन आपको याद हो जाएगी कि इंडिया में कौन सी लोकेशन है। वो थोड़ा सा टॉपिक लंबा होने वाला है लेकिन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे बट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करने में, लेकिन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मैक्सिमम वेटेज के यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बताया था ना आपको 25 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। 25 क्वेश्चन का मतलब आपके 50 नंबर, मायने रखते हैं 50 नंबर, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझसे शेयर कर लो बेटे, नहीं तो फिर हम कल मिलते हैं। और नोट्स मैं अभी आपके अपलोड कर दूंगी। चलो तो फिर हम कल मिलते हैं, ओके। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि। टेक केयर बेटे, टेक केयर।